नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल डेली अपडेट्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जो है बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है मल्टीपल इमेजेस को जो है एक ही पीडीएफ में ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल जो है इमेजेस का जो है डॉक्यूमेंट का जो है आप पीडीएफ बना सकते हैं, तो एकदम ईजी प्रोसेस है। आप अपने फोन से आसानी से जो है कर सकते हैं। इसकी जरूरत कई बार पड़ जाती है, जैसे कि हम जो है ऑनलाइन कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमसे जो है एक पीडीएफ मांगा जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट का। कहीं कहीं तो जेपीजी मांगता है, कहीं कहीं पीडीएफ मांगता है। तो पीडीएफ किस तरह से बना सकते हैं, इसी चीज को यहां पर जो आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको अपने फोन में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, चाहे वो क्रोम ब्राउजर हो या फिर अदर कोई भी ब्राउजर आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं गैलरी में चलता हूं और ये देखिए डाउनलोड में मैंने जो 3-4 इमेजेस यहां पर डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास इस फोन में कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं था, इसलिए मैंने इसे यहां पर दिखाने के लिए जो है डाउनलोड यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर चलते हैं हम गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ। इमेज टू पीडीएफ जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो है जो मोस्ट पॉपुलर जो वेबसाइट है, दो ठो आई लव पीडीएफ और smallpdf.com, ये दोनों आपके सामने यहाँ पर जो है आ जाएगा। इनमें से किसी पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर का प्रोसेस दोनों का जो है सेम ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आई लव पीडीएफ के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट जेपीजी इमेजेस बोल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी इमेजेस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर एक ही करना है तो एक ही सेलेक्ट करेंगे, एक से ज्यादा करना है तो सभी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने 3 सेलेक्ट किया, मैं डन किया और ये तीनों देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस इमेज में आ गया। अगर किसी इमेज को आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं, जैसे कि ये देखो 2 नंबर वाला ऊपर करता हूँ मैं और ये 1 नंबर इमेज वाला मैं और ऊपर कर लेता हूँ, 4 नंबर वाला, तो इससे मैं और नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 3 इमेज यहाँ पर जो है ऐड हो गया, 3 डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 मैंने ऐड किया हुआ है, और भी ऐड करना है तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करो, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फिर से जो है सेलेक्ट करो जो जो ऐड करना है, उसका डन पे क्लिक करो। ये देखो अब यहाँ पर जो 5 इमेज यहाँ पर जो ऐड हो चुका है। ठीक है, ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है, कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर मुझे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कन्वर्ट हो चुका है पूरी तरह। अब यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर में क्लिक करेंगे, डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर में क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो डाउनलोड हो चुका है इसे मैं ओपन करके यहाँ पर देख लेता हूँ। तो देखो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो ओपन हो गया मेरा 5 जो है, देख सकते हैं 5 इमेजेस एक ही पीडीएफ में यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब चलो मैं जाएगा कहाँ पर, ये तो डाउनलोड करने के बाद ये जो है फाइल मैनेजर के, यहाँ पर मैं फाइल मैनेजर चलता हूँ, यहाँ पे इंटरनल में चलता हूँ, डाउनलोड के फोल्डर में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलो नीचे चलते हैं, ये देखो यहाँ पे जो है, और नीचे चलते हैं और ये देखो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे मिल चुका है। देखो जैसे इसे ओपन करूंगा मैं तो ये देखो इसमें जो है 5 इमेज यहाँ पर मेरा ऐड हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आसानी से आप जो किसी भी फोटोज का, इमेजेस का, डॉक्यूमेंट का जो है पीडीएफ आसानी से बना सकते हैं, बिना कहीं जाए कैफे वगैरह लैपटॉप वगैरह की जरूरत नहीं, आसानी से फोन से कर सकते हैं। तो दोस्तों छोटी जानकारी थी, आपको कैसी लगी कमेंट से कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मैं आपको बता दूं इस तरह के बेसिक वीडियोज हमेशा मैं अपलोड करता रहता हूँ, ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ जिसमें आपको इसी तरह के बेसिक वीडियोस मिल जाएंगे, उसे जाकर जो आप देख सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।